ये ना इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है और यहाँ से 2 किलोमीटर की स्पॉट टू इन गलियों में बहुत घूमा है कॉलेज टाइम में, 4 साल चुरा चुरा के खा दिया इन्होंने। बस पर पहुँच गई स्पॉट टू बस स्टैंड और पहुँच गई बस स्टैंड स्पॉट टू। तो लग रहा है मेरे स्टार ना ढीले हैं, हाथ में बैग और अभी मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत जाना है यहाँ पे। चिमटा पकड़ा हुआ है, एक एक ना एक एक गंगारा, इतने गंगारे रह गए पर गप्पों में इतने बिजी ना थे। मैं जा रही हूँ हिमाचल और 43 से मैंने बस ले ली है और पहुंच चुकी हूँ हिमाचल के नजदीक ही परवानू के पास पहुंच गई हूँ। और मैं जा रही हूँ आज कुनिहार किसी काम से, तो चलो मिलती हूँ आपको आगे। ये ना इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है और यहाँ से 2 किलोमीटर की स्पॉट टू, पहले बताया नहीं ना उसने कंडक्टर ने, लोकल बस थी। और ये देखो यहाँ पे ना ये भगवान जाने आर्मी वालों का आर्मी एरिया है। ये जो पीछे ना इनका टैंक टूटा था तो ये देखो ये सारा ये हो गया था और पीछे क्यों उतार रहे मुझे नहीं पता, गाड़ियाँ तो जा रही हैं। और इस तरह से ना ये देखो ये इतना नुकसान हुआ था, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था ये रोड, ये वाला ये रोड ये था पहले। देखो ये इस तरह से सामने कुठाड़ मेरा मायका और यहाँ से 2 किलोमीटर है और मुझे अब पैदल जाना पड़ेगा स्पाटू के लिए। वैसे तो हमने इन गलियों में बहुत घूमा है कॉलेज टाइम में, 4 साल, लेकिन अब आदत नहीं है। और ये पूरा ना वो सामने आर्मी एरिया है और ये सारा टूटा हुआ ऐसे, ये देखो ये वो देखो सामने ये रोड पूरा यहाँ तक और अभी इतना ही और आगे जो मुझे पैदल जाना पड़ेगा। वो देखो वहाँ सामने से आई हूँ मैं पैदल और ये नीचे देखो ये सारा ना ये आर्मी एरिया है और यहाँ पे गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है ये, और मुझे भी आगे जाना है। ये सारा मैं थोड़ा सा रह गया और ये जी ये पहुँच गई 2 मीटर चलने के बाद स्पाटू। ये जा रहा है परे सोलन और ये जा रहा है चरा चरा के थका दिया इन्होंने। बस पर मैं पहुँच गई स्पाटू और नीचे 2 किलोमीटर चल के आई, ये तो सोचा था नहीं चलना उतना ही चला। ये जा रहा है ये सोलन ये स्पाटू और जहाँ से लाई वो स्पाटू की वो गलियाँ जहाँ 4 साल लगाए मैंने अपने कॉलेज के। बस स्टैंड और पहुँच गई बस स्टैंड स्पाटू, यहाँ से हम कॉलेज की बस लेते थे आते जाते थे यहाँ से। मिल गई बस स्पाटू से और मैं निकली कुनिहार के लिए। ये दिखाती हूँ आपको, ये ना इससे भी एक मोड़ पीछे उतार दिया उसने बस वाले ने, पट्टा बरौरी यहाँ पे। लग रहा है मेरे स्टार ना ढीले हैं, हाथ में बैग और अभी मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत जाना है आगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये तो मेरे ना दिमाग से ही निकल गया भाई पट्टा बरौरी हम मैं तो आगे जाना। पर उसने जब बोला ना सबको पट्टा बरौरी उतर पट्टा, मैंने सोचा पट्टा बरौरी आ गया भाई, मुझे तो वैसे ही लगा तो उतर गए उतरे पट्टा बरौरी। लेकिन जो मेरा जहाँ मैंने जाना था वो आगे बहुत है और मैं अभी तो जंगलों से होती वैसे मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बहुत पीछे। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देखो लोगों ने ना क्या किया वहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ना बंदर बुंदर आते हुए ना और खेती में ना ऐसे ऐसे खड़े किए, मैं बोलूँ टन टन की आवाज़ें कहाँ से आ रही है, वो देखो ऊपर टन 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 पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है यार, ये गांव की मौज है। आज मेरा दिन ना बहुत गंदा दिन चढ़ा हुआ, बहुत गंदा दिन चढ़ा है। हे भगवान, सुबह पहले बस स्टैंड आए, अंशुल छोड़ने आया था खैर, तो बस स्टैंड हम कम से कम भी 1.5 घंटा खड़े रहे बस स्टैंड। बस समझ नहीं आ रहा, मैंने पहली बार देखा चंडीगढ़ में भी सोलन साइड की कोई बसें ना आ रही हूँ। ठीक है फिर मैं धर्मपुर तक आगे, चलो धर्मपुर से मुझे एकदम से बस मिल गई, स्पाटू से भी एकदम से बस मिल गई 10 मिनट बाद। लेकिन आगे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, पर ये भी भगवान है एक्सपीरियंस अब आगे सही रखना, ये ना भी जिसके पास जा रहे वो भी ना मिले आगे। तो चलो गुड इवनिंग, जय माता दी, राम राम सबको। और उधर से ना आवाज़ आ रही थी कुछ झाड़ियों से, शट 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 मेरी जान निकल गई। तो गुड इवनिंग जी, और मैं हूँ जैसे आप देख ही पा रहे हो पीछे, ये देखो मेरे पीछे मैं हिमाचल की वादियों में, मैं हिमाचल पहुँच गई हूँ, हिमाचल
कुनियार पहुंची तो नहीं, अभी पहुंच गई, मतलब पहुंची नहीं अभी का मतलब नहीं है, पर जहां जाना वहां तो नहीं पहुंची, रास्ते में हूँ। और तो मतलब ये भी हिमाचल की वादी में पहुंच गई, जान तो पड़ गई पर जहाँ निकली भी आज, इतना स्पाटू चल रही हूँ, इतना यहाँ चल रही हूँ और जंगल के बीच में से ना मुझे वैसे डर लग रहा है। तो चलो आगे काम बन जाए, बस जहाँ जा रहे वो मिल जाए। तो ठीक है, राम राम, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, जहाँ भी रहो मस्त रहो। ये देखो ये सामने मोड़, उस पिछले मोड़ से रबी मोड़ ख़त्म नहीं है मेरे ख्याल तो, बहुत है अभी आगे तक मुझे लग रहा है। तो चलो, और वो देखो पेड़ पे कौआ, कहाँ कहाँ गाँव की यही मौज है। ये देखो अब आए, अब घर आए ना, अब जाना है। और देखो मेरा इंतजार करने वाले, वो देखो सामने मेरी, इस पे हंसने वाले, ये पटावरी अब था, मैं कहाँ उतर गई हूँ। ये बड़ा बिल्लू, देख बिल्लू बिल्लू, कौन है अम्मा, कौन है अम्मा, परेशान होगी भी, कहाँ से आ गई बुढ़िया अम्मा, कौन है। तो जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हो गया हमारा, वो हमें आगे मिल गई थी जिनको मिलने गए थे, और यूवी भी आया था जैसा कि आपने देखा, और हम जा रहे वापस। और यूवी को देखो, जैसे हम पकड़ रहे थे ना तो बिल्कुल नकलची बंदर है भाई, नहीं छोड़ रहा था उसको, पकड़ा था, नींद आई उसको, बुरे हाल है, मतलब हम उसको सोने नहीं दे रहे, मैं कहा घर जाके सो जाइयो, क्योंकि फिर घर जाके सोएगा नहीं, और नहीं सोएगा तो फिर वो करता रहता है, मतलब बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। तो इसको जबरदस्ती जगा रहे थे, देखना यूवी ना वो खा रहा है कैसे हो रहा है ना, बेचारा लुड़की जा रहा, पर हम उसको बार बार उठा रहे थे, भाई उठ जा उठ जा, यूवी। और ये देखो, ये अपना जा रही सिस्टर के घर, अब हम कहीं और पहुंच के सिस्टर के घर, और जाते सबसे पहले चाय वाय पी, और अब लग गए खाना बनाने, भूख लगी थी तो। और यूवी अपनी मस्तियों में लगा हुआ है, यूवी की रौनक है वो अपनी मस्तियां मार रहा। ये देखो, ये ना वो देखना हमारा बैठने का स्टाइल देखना, और मैं दिखाती हूँ आपको, हम सेक रहे हैं आग, आग सेक रहे हैं, मतलब एक दिखाते पहाड़ों की मौज दिखाती हूँ, और गॉसिप कर करके गप्पे मार मार के ना, हम पर खिलाता घंटा हो गया हमारे को, मैं दिखाती हूँ ये कहाँ बैठे हुए हम, देखना जरा अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये हाल है, ये रेगी है, और इसने चिमटा पकड़ा हुआ है, एक ना एक एक गंगारा, इतने गंगारे रह गए, पर गप्पो में इतने बिजी ना थे, घंटे से हमें यही पता नहीं लग रहा है तो क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, और वैसे कोई बोल लेना तो ठंड है, तरीका देख लो, ये देखो बस ये बैठे हुए मजे में, ये देखो मौजे, ये तो चुपी गई, ये देखो ये पैर लगाए हुए, मैं क्या सेक रहे हैं ये भाई, ठीक है ना, पहाड़ों का जीना।